मर के मर गई ना तो खौफ हो गई हो। लोग कहेला जवान बेटा के कंधा पर बूढ़े बाप ले अर्थी उठेला तो निक लागे ला। अब बूढ़े बाप के कंधा पर जवान बेटा का अर्थी उठो तो ना अच्छा लागेला। यही के धृतराष्ट्र दादा सोचत होला कि हमार जवान बेटा लड़ाई के मैदान में मार गए बुढ़ाई में जीते है। यही बात कष्ट हुए दादा के तो सोचत होगा कैसे कहे कि निदान कैसे कष्ट का हो अब कोई उपाय ना समय समय निजात मारना रही है वेदना न दीनहीन कोई भी मेरे समान विश्व में न दीनहीन कोई भी मेरे समान सनय सनय निजात मार ला रही है वेदना निर्दोष काटा अपने को महाबली वो भीम से जुनून जवानी का फिर जला रही है वेदना। प्रणाम पूछे तो भैया धृतराष्ट्र दादा सोचत होगा कि जवान बेटा मार दिया गई बुढ़ाई आ गई जब जागर रही तब अपने बेटा का मरले का बदला हम ले लेते भीम हमारे बेटा के मार देना गदा से तो जवानी रही ना तो अपने बेटा का बदला ले लेती लेकिन बुढ़ाई आ गई है अब तक के तो छऊ के उठबो करिया तो अपन ही गिर जाए के पर ठुमने ना काम करिया सुधा तो भैया हो ये तो दराज से सोचत हो लेकिन बिरहा में बड़ा खूबसूरत बड़ी पुरानी फिल्म का वो गीत है ओहे गीत है मास्टर भैया मुन्ने वाला फिल्म का गीत है अरे जब प्यार किया तो धरना प्यार किया कोई चोरी नहीं की चुप चुप गया है Bye-bye.
आने लगा। ये बहादुर बेटा से मिलने की एक तमन्ना है, बहादुर बेटा से मिलने की एक तमन्ना है, अचल है कुल नगर हीरा मेरा तमन्ना। मन में सोचत हुआ कि जवानी रही तो बेटा के मरने के बदला भीम से ले लेती, तो मन में उपाय निकालत हुआ कि पीर कवन हो कि जवन अपने खानदान के मुहला का बदला ना ले ले दुश्मन से, तक सोचत हुआ कि जानर से तो ना मराई लेकिन बुद्धि से मरा सकेला बदला लिया जाये। तो भीम को झूठो के बाह पाई धृतराष्ट्र जवन दोनों आंख के अंधा हुआ, धृतराष्ट्र भीम का छूट ही वाहवाही करत हुआ जे भेटाए उनसे ना, तो कहे ए भैया हमारी बेटा के भीम मार दे हला, लेकिन का करी मार दे हला तो अपने खानदान का लड़का हो, आदमी अपने से न हारेला अपने खानदान कहा, भीम का जितना जांगर पाजर हो हमके बड़ा गर्व होला हमारी खानदान का लड़का है, अरे यही की चलते तो खानदान का नाम हो गए। अब जे धृतराष्ट्र का बतिया सोने तो भीम से जाके कह है, ए भीम तू धृतराष्ट्र दादा की लड़का के मार देला दुर्योधन के, लेकिन तब वो दादा कहत हुआ ना अरे खानदान का लड़का है, ये है ना पानी पचोले बा। तो भीम मना में सोचे थे कि जना था कि दादा ढेर मान थे हमके, भीम मनवा में सोचे अब जे भेटा है उसे उनको झूठो का वाहवाही करे। तो एक दिन एक आदमी और मिला तो उनसे वाहवाही को के कहना ना कि ये भैया कहाँ जात हुआ, तो कहा तेरी जात है भीम से काम हो, तो कहना कि ये भैया खानदान का लड़का है वो पहलवान है के देख ला तो करे जा गदगद हो जाला, और देख ला का टोई के जाने ला कि भीमवा हो तो जग रहता है, एक बार उसे मिलने का मन कर था। अब तो बुढ़ाई आ गई कौ दिन का मेहमान बने, लेकिन भीम से एक बेर मिल लेती तो हमारो श्रद्धा पूरा हो जाए। तो जाके भीम से कहला, ये भीम धृतराष्ट्र दादा तो से मिलल चाहत हुआ मर दे तो नहीं, तू उनके लड़का के मार देला, लेकिन तोहके अब है वो खानदान का मानत हुआ अपनी परिवार का मानत हुआ, तो से उनके कौनो दुश्मनी ना बा। जब भीम सुनो कि दादा हमसे मिले खातिर सोचत हुआ, तो मनवा में सोचा कि अरे आपन तो अपने न होगा, आपन न हो ऊंच कितना दुश्मनी बा, भले उनके लड़का के जान सहित मार दिली लेकिन आपन हुआ तो देखा कैसे मौका से खोजत हम, और दुश्मन रहे तो खोजी नहीं। मनवा में मार बिना तेल के पकौड़ी बनत फूलत हम, और तो फूलवही खातिर दुनिया से कौन है गृह में बतरत। गोली कांड में गीत के धोले रहे हो कैसे बोलू, अरे बाबू दरो गाजी अरे कौन कुनहिया बहला पियावा मोर, बाबू दरो राजेश लाल यादव जी बम भोले गिट्टी बालू सीमेंट के बहुत बड़े सप्लायर भी हैं हमारे राजेश बाबू। अरे भाई अब संपूर्ण बिल्डिंग मटेरियल कुल तो मिलवा न करी हो, तो हमारे राजेश भाई की ओर से इस सादर 100 रुपया सुंदर पुष्पहार बहुत बहुत धन्यवाद हुए। लेकिन भीम जब महामारी सुनला तो मनवा में सोच गई ना, अरे बड़का दादू से
2022 में आजीवन सरकार लेकिन ये भैया भीम यानी कर तो तैयारी को एकदम फिट हुआ
कहिना कि धृतराष्ट्र दादा से भेंट करब तो ये बतिया के भनक चल गई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के। आ कन्हैया के जब पता चलल कि अनहरा से भेंट करे जात हम अभी आई भीम के पता ना चल था कि अनहरा का एक खातिर बोलावा था तो भीम तो पूर्वक ना हो पहलवान हम अपन मार के मुगलों के नसीहत के सुन ले ना ना समझ में आवला दे ऐसा भी कल भी पहलवान मोट बुद्धि को हो तो भीम का सोए आगे पीछे का सोचे कि नहीं का होई ना होई वो का सोचे थो कि नहीं ओकर लड़का के मर ले वो सोचे थो कि बोलावो थो तो भले उनके लड़का के मार देली बाकी खानदान का वही मुंह कोई नहीं के दादा का चलो हमारे दादा से मिले खातिर तो कन्हैया जी मनवा में सोचत हम हां जिंदगीया बिगाड़ गई अंधारा जिंदगीया बिगाड़ गई अंधारा हंस के बोल पता न मुरार हो जिंदगीया कन्हैया जी सोचत हो कि भीम जहां गइला अनहरा से मिलला ना जवान चपान चापी कि भीम फेर उठिया ना कन्हैया वजरिया को तोड़ दे पलस्तरों की मार के ना पैसा ला हाय पगड़ा पहले परमात्मा सुखी रखे आपके कैसे भैया अपने जग में अपने से
कहते पिता भात्र को कलंक माथे लगाए दियो खाली तू यही तरह उल्टा बतियाई पे कर लाई है कुल कह के तो सबसे सबका तू हत्या करवा दिहला अपने आदमी के अपने आदमी से मरवा दिहला महाभारत की लड़ाई कराई के अतादार परावत हो तो कहत हुआ कि हरा दो के मुआ दे हां तो भीम कहत हवा कि भीम से कलंक कितना मन बजाइबा तो करा ना जाई हो जाई ताना खोले तो मत जाई ना कि अब पर कहना से ना जाई भीम तैयार होकर चल देला पराया को तो रोक जो रे भैया रोक जो मत रे भैया क्या का चाहे कि चरिए भाई पहुंचे ये भाई खत्म हो जा भीम कहते हो कि क्यों ना खत्म आई पांचों को पांचों रह यहाँ तू खाली ऐसा ही उल्टा पुल्टा खाली तो के डरवावा था वाह गट्टा कट ले नहीं गट्टा नहीं काट ली गट्टा सलामत रही था हमको नहीं बात हो रहा बा यहाँ चाहिए तो हम कमा खाने तो कहाँ कहाँ था वहाँ को गीत लिखा गये वो है गीत या रुक कभी रात चलावे लापरवाह कैसे टोई के संतोष करी हम
धृतराष्ट्र जब सुनला तो कहला भीड़, कहला हाँ हाँ भीड़ आ गई। तो धृतराष्ट्र अपन हाथ बढ़ावत हुआ कि यही में आके भीम हमसे गले मिल जाए। आ जब गले मिल जाए ना तो तब न मौका से मार होई। तब भीम को थमा के आए गई हाथ फैलाओ थमा धृतराष्ट्र दादा के आ बेटा आ वा 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 कन्हैया जी पछवे लागल हो भगवान देखे। कन्हैया जी जब पिछवे लागल हो तो कैला का चाप देना धृतराष्ट्र दादा और कहे कि बेटा बड़ा मौका से मिल हुआ। तो ये बेटा लड़ाई कुल तरह का हो ले धोखों का मार हो दे। जब लोहा के जब चाप के धृतराष्ट्र तोड़ देना तब कन्हैया जी भीम से कहते हो कि उड़ा 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 उठा उठा खा बैठा लगा।
यही खातिर आवतला ना यही खातिर मिले खातिर आवतला देखत हो ना लोहा के चाप के तोड़ देलस तो आके पोले रे के काम भई नहीं कन्हैया से भीम कहत हो आखरी लाइन में का कहत हो से कहत हो तो बात ना मान के बड़ा गलती कर ली भगवान कहा भी में अचरज भारी देखा वाला ये हरी तेरा जीवन हर हंसे पुरस्कार जयराम आवे बिहवा औरंगाबाद मऊ से बहुत बहुत आपके हम प्रणाम कर से भी जाके सभी आलो के नमस्ते प्रणाम बा कहा कि अपनी चढ़ना पर रहल हम के विमान हो हमारा से कई गुना पहरी पहलवान अपनी जोरवा पर रहल हमके गुमान हो लेकिन हमारा से कई गुना पैरी पलवान हो कहा कि साजो कमी तैया निभाला ये हरी जीवन हरा से चलवा बचवाई राम लाल गुरु का स्वर्ग से चंद्रिका कवि पच्चन जी पाए पुजारी